हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज संजीव। सो आज एक मोबिलिटी पे वीडियो बनाते हैं गाइस। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोबिलिटी, आपको इसमें मास्टर करना ही है अगर आपको सही प्रॉपरली आपको वेट लिफ्ट करना है तो विदाउट इंजुरीज। सो गाइस, आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे लोग जो डेड लिफ्ट करते हैं, बेंड होकर कुछ उठा देना है, फिर उनका दे विल कंप्लेन यू बैक पेन्स, बैक इश्यूज। सो इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस आई डोंट सजेस्ट कि आप एक डेडलिफ्ट करना है, स्क्वाट्स करना है, सो यू लर्न फ्रॉम एनी वीडियोस और एनीथिंग। आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर ए नॉलेजेबल ट्रेनर, क्योंकि डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ये वर्कआउट्स दे आर लाइक कॉम्पाउंड वर्कआउट्स, दे आर नॉट सिंगल मदर वर्कआउट। सो इसमें आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होगा, सो आपको एक प्रॉपर ट्रेनर साथ में रहेगा, तो बिकॉज एवरीबॉडीज बॉडी इज डिफरेंट, वो आपको देखेगा क्या कहाँ पे मसल स्टिफनेस है, कहाँ पे आपका मोबिलिटी लैक हो रहा है, सो ही विल इम्प्रूव दोज थिंग्स एंड आपको सेफली उठाने में आपका हेल्प करेगा। सो हियर आई विल शो ए बेसिक हिप एंड हिंज मूवमेंट, इसको हिप एंड हिंज मूवमेंट बोलते हैं, और लर्निंग द बेंडिंग टेक्निक, कैसे आप बेंड होकर प्रॉपरली वेट लिफ्ट करना। अगर आप सही नहीं हो, अगर प्रॉपरली आप मास्टर नहीं हो हिप एंड हिंज पे, सो आई विल शो यू हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, कैसे आप इसमें मास्टर कर सकते हैं ये मूवमेंट में, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी डेडलिफ्ट किए, कभी कुछ बेंडो के कुछ ग्राउंड से उठा लिए, सेफ लाइक आप इंजुरी से, बैक इंजुरी से, बैक पेन से बच सकते हो। तो यहाँ पे आप, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ए फॉर्म में नहीं कर रहे हो तो इट इज अ रॉन्ग, बिकॉज अगर आप रॉन्ग कर रहे हो यू विल बी लाइक फेसिंग द इंजुरी। चलो ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल स्टार्ट द। सो इसके लिए मैंने मेरे वॉलंटियर को बुला लिया, देखेंगे कब बेल्ट होने पे बैक कैसा होता है। सो इसमें कॉमन मिस्टेक जो लोग ज्यादा करते हैं, जब वो नीचे जाते हैं दे विल नॉट डू अपने अपने हिप को पीछे नहीं रखते, वो सामने घुसने पे ध्यान रखते हैं। सो देखिए यहाँ पे बैक राउंड कर देते हैं, जिससे यहाँ पे प्रेशर जाके दे विल फील लाइक बैक पेन एंड ऑल दिस थिंग। सो इसमें पहली बात ध्यान क्या रखना है, आप जब नीचे झुक रहे आपके हिप को पीछे ढकिए, यू फील लाइक सिटिंग ऑन चेयर एंड बैक स्ट्रेट, दिस वाज द स्टेट। सो आपका मूवमेंट, आपका कॉन्सेंट्रेशन हिप पे रहना है, ना कि बेंड होने पे। और जब मटर पुश फ्रंट बैक, सो दिस वाज बी लाइक, यहां पे देखिए आपका आपका बैक जब स्ट्रेट रहेगा यू विल फील लाइक कंफर्टेबल एंड आपके बैक पे स्ट्रेस नहीं जाएगा। सो दिस इज द कॉमन थिंग, ये सबको मालूम है कि ऐसा बेंड होना चाहिए, बट इफ यू आर अनेबल टू डू दिस, सो आप कर ही नहीं पा रहे हो कोशिश करने पे, तो आपको कैसा प्रैक्टिस करना है, बेस कहाँ से स्टार्ट करना है, आई विल शो दैट थिंग। सो सबसे पहले प्लेस द हैंड्स ऑन योर लेग्स, ओके, जस्ट सीधा रखिए, नेक भी सीधा और न्यूट्रल रखिए। नाउ आपके हाथ जो है आपके लेग्स के साथ नीचे चले जाना है, हिप को पीछे ढके लेते, सो दिस इज द बेसिक बेंडिंग। ओके, दिस इज द बेसिक, अगर ये भी नहीं आप करने कर पा रहे हो तो बेसिक कहां से स्टार्ट करें, आई विल शो यू कैन सिट ऑन नीज एंड स्टार्ट हिंजिंग हियर, बट इसमें भी आपके इस मूवमेंट पे ध्यान रखिए। आप हिप पीछे ढकल रहे हो और आप खड़े रहे हो, इसलिए ज्यादा आपका बैक इंजरी होने का चांसेस कम है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस माइंड मसल कनेक्शन करने का चांस मिल जाएगा यहाँ पे। गो, आप बेंड जब हो रहे हो आपका हिप उसे टच कर रहा है वॉल को या सपोर्ट को। गो, सेकेंड वेरिएशन राइट, पुशिंग दिस वे एंड बेंडिंग अप, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्रेशन आप ट्राई करिए, और जब ट्राई करते हो थोड़े चीजों पे ध्यान रखिए, आपका प्रेशर प्रेस करिए ग्राउंड की तरफ, और यू कैन गो हाफ, एकदम पूरा नीचे जाने का जरूरत नहीं है, बस अप
एंड गिव हिप मूवमेंट. सो यू कैन डू हाफ स्लोली स्लोली, हाफ के बाद आप यू कैन प्रोटीन द डंबल और डंबल आल्सो. आप कभी भी वेट उठा रहे हो लाइक दिस बैक. सो योर कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी ऑन हिप, नॉट ऑन बेंडिंग डाउन. हिप को आगे पीछे. सो ये सब कब आएगा जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करोगे लाइक वीकली, टू डेज, थ्री डेज, फॉर अ कपल ऑफ वीक्स. सो आफ्टर मास्टरिंग दिस ओनली यू नीड टू ऐड लाइक वेट्स टू योर मूवमेंट. जब आप इसमें अच्छा मास्टर करोगे देन यू गो फॉर डेडलिफ्ट्स. और स्क्वाट्स में भी ये मूवमेंट बहुत हेल्प करेगा. सो यू नीड टू बी मास्टर इन दिस मूवमेंट टू अवॉइड द इंजरीज जो कर ही नहीं पाते. सो कितना भी आप प्रैक्टिस करो स्टिल देर उनके कमर पे स्ट्रेस फील होएगा, उनको बैक पेन फील होएगा और राउंडेड बैक होते रहेंगे. सो वैसे लोगों को क्या है हैविंग ए टाइट मसल्स. सो कौन से मसल्स उनके टाइट रहेंगे. सो यहाँ पे आपका अगर आपके पास कोई अच्छे नॉलेजेबल ट्रेनर है सो ही विल मॉनिटर यू, ही विल चेक द टाइट मसल्स एंड ही विल गिव अ प्रॉपर स्ट्रेचिंग टू यू. सो यहाँ पे वो आपको स्ट्रेच करेगा. पहले ही विल स्टार्ट विद बेसिक स्ट्रेचेस, मसल्स फ्री करेगा, उसके बाद मोबिलिटी वर्कआउट ऐड करेगा. सो वो किस वजह से होता है मे बी लाइक आपके टाइट हिप फ्लेक्सर्स हो सकते हैं, वीक एब्डोमेन हो सकता है, वीक हैम्स टाइट, किसी को लोर्डोसिस का प्रॉब्लम होता है. ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं हिप इंज नहीं कर पाते हो. और जब भी आप डेड लिफ्ट्स वगैरह झुके उठाने के वर्कआउट करते हो यू विल फील स्ट्रेस ऑन योर बैक ना कि आपके टारगेटेड मसल्स. सो अगर आपके पास कोई ट्रेनर है तो उनके सामने करिए, उनके गाइडेंस में करिए. सो दैट ही कैन डू द प्रॉपर. ये था छोटा सा वीडियो आपके हिप इंज के लिए, बेंडिंग टेक्निक के लिए. सो ऐड करिए मूवमेंट्स इन योर रूटीन. और कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए. अगर पसंद वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और आप सब्सक्राइब करना. सो गाइस स्टे नेचुरल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट. बाय.